नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे शरीर में कैल्शियम की कमी की। कैल्शियम की कमी बहुत कॉमन समस्या है जो हमारे शरीर को होती है। हमारे शरीर की और यह जो कैल्शियम की कमी है साथियों, यह इसकी बहुत बड़ी कीमत शरीर को अदा करनी पड़ती है। जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो आपके बॉडी का जो रिक्वायरमेंट का कैल्शियम है वो आपके बोन्स से शरीर लेता है। जब बोन्स से शरीर लेता है तो आपकी बोन्स वीक होती हैं। तो हमको अपने शरीर के कैल्शियम की कमी को पूरा रखने की बहुत आवश्यकता है और हम आज आपको बताएंगे ऐसा जादुई नुस्खा जो वास्तव में आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करके आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा, आपके शरीर को भी ऊर्जावान बनाएगा। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा साथियों कि कैल्शियम की कमी के लिए विटामिन डी के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया, बड़ी मेहनत करी है उसको बनाने में। आप उस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, लिंक नोटिफिकेशन पैनल में उसका दिया हुआ है। तो कैल्शियम की कमी पूरी करने का, जो कि लगभग मैं मानता हूँ 80% हमारे परिवार और समाज की महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है, उसको दूर करने का बहुत अद्भुत नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले साथियों, एक बात मैं और यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। जब हमें कैल्शियम की कमी होती है तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही करते हैं, कैल्शियम की कोई टैबलेट ला के खाने लगते हैं। अब आप ये सोचिए, जब कैल्शियम तो हमारे भोजन में ही बहुत होता है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट के कंपाउंड के रूप में जितने भी कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, उन कोशिकाओं की जो वॉल्स होती है, सेल वॉल्स होती है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। तो जितना हम लोग खा रहे हैं उसमें बहुत कैल्शियम है, लेकिन वहाँ बॉडी में हमारे एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है कैल्शियम। अब हम जो बाज़ार से टैबलेट्स लाए वो हमने खाई, तो जब कुदरती कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आप सोचिए कि यह टैबलेट का कैल्शियम यानी खड़िया कैसे आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। भाई, या तो आप बहुत एडवांस टैबलेट खा रहे हो जो 35 रुपये की या 30 रुपये की एक टैबलेट आती है कैल्शियम की, जो कि एब्जॉर्बेबल होती है बॉडी में, लेकिन जो आप 2-4 रुपये की सस्ती वाली टैबलेट्स खाते हैं यह काफ़ी केसेस में वायबल नहीं होती है। क्योंकि जब शरीर में ही आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आप जितनी खड़िया खा लो वो शरीर में कैसे एब्जॉर्ब होगा, मैकेनिज्म ही गड़बड़ है। तो इससे बेहतर है हम उन कुदरती चीज़ों को अपनाएं जो एटलीस्ट बॉडी में एब्जॉर्ब हो कैल्शियम, उसको ट्रिगर करें एब्जॉर्प्शन। हम आपको बताते हैं ऐसा चूक नुस्खा जो मिक्सचर, जो ड्रिंक आपके बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और आपको ठीक बनाएगा। तो पेश है साथियों आपके सामने यह खूबसूरत नुस्खा। इस अद्भुत नुस्खे के लिए साथियों आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप 7 बादाम ले लीजिए, रात में भिगो दीजिए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, जो आप बादाम लीजिएगा वो छोटे वाले बादाम लीजिएगा। छोटे बादाम थोड़े कड़वे होते हैं, या जो विदेशी बादाम आते हैं, आप बहुत बड़े बड़े बादाम देखते हैं, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वो जो देसी छोटे वाले बादाम होते हैं, छोटी गिरी होती है, वह आप 7 बादाम भिगो दीजिए रात में। सुबह आप उसका छिलका उतार लीजिए। आप करीब 200 ग्राम दही का बाउल में एक दही लीजिए, उसमें आप यह जो 7 बादाम आपने छील के रखे हैं इनको कूट के, इसको आप इमाम दस्ते में कूटिएगा साथियों। 7 बादाम वैसे भी आप मिक्सी में नहीं पीस पाएंगे और वह उपयोगी भी नहीं है। तो आप 7 बादाम को क्रश कर लीजिए, हो सके तो उसका पेस्ट बना लीजिए, उसको आप उस दही में डाल लीजिए। आप उसमें 5-6 तुलसी की पत्तियाँ डाल लीजिए, तुलसी यानी ऑसिमम सैंक्टिनम, आप तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए और आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, 1/2 चम्मच, आपको अच्छा लगे 1, नहीं तो 1/2 चम्मच, 1 टीस्पून या 1/2 टेबल स्पून इस तरह का आप जो है इसमें शहद डाल लीजिए और इस दही का आप सेवन करिए रोज़ सुबह। हो सके तो खाली पेट, नहीं तो खाने के बाद भी चलेगा या खाने के साथ भी चलेगा। आप इस दही का सेवन करिए जिसमें आपने 7 बादाम का पेस्ट डाला है, आपने इसमें शहद डाला है और आपने इसमें तुलसी की पत्ती डाला है। यह अचूक घरेलू नुस्खा है साथियों जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा और आपकी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाएगा। और दही के साथ यह श्रेष्ठ हो जाता है और आपके भोजन के साथ तो यह अति श्रेष्ठ हो जाता है। आप जो भोजन कर रहे हैं, आप लोग दही खाते ही हैं, दही में थोड़ा सा यह बादाम डाल लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा
और अगर आप थोड़ा सा तुलसी की पत्ती डाल लेंगे तो भी कुछ नहीं जाएगा, और शहद डाल लेंगे तो भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा होगा। तो आप इस नुस्खे को करिए अपने शरीर के कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। हमको बताइए कमेंट पोर्शन में लिख के कि आपके बच्चे, परिवार, घर में इस चीज़ की कमी पूरी होती रही कि नहीं पूरी होती रही। इसको डोज की बात नहीं है, आप स्वादानुसार अपने मन का जितना करें आप उतना सेवन कर सकते हैं। बच्चों को आप आधा कटोरी दे दीजिए, आप रोज एक कटोरी खा ले लीजिए, परिवार में सबको दे दीजिए। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको संतोषजनक जवाब दे पाऊं। एक निवेदन करूंगा साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। ये नुस्खा था साथियों आपकी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने का, आपके कैल्शियम की कमी को शरीर में पूरा करने का। आप इसको करिए, और मैं एक बात दोहराऊंगा कि एक और वीडियो हमने विटामिन डी के संबंध में डाला है, उसका लिंक नीचे दिया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर दीजिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, और साथ अपने विचारों को हमारे साथ, दिमाग को, अपने मस्तिष्क को हमारे साथ चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।